अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। हे प्रभु, आप कभी बोर नहीं होते हो? हर टाइम खड़े ही रहते हो, ना कभी बैठते हो ना कभी सोते हो, हमेशा एक ही मुद्रा में खड़े रहते हो। नहीं नहीं, मुझे तो आदत है। लेकिन प्रभु, आपको तो आराम करना चाहिए। मैं भी दिन भर काम करता हूँ, लेकिन मैं रात को आराम करता हूँ। आप तो 24 घंटे खड़े रहते हो। प्रभु, मैं आपकी एक सेवा करना चाहता हूँ। सेवा? कैसी सेवा? एक दिन के लिए मैं आपको आराम देना चाहता हूँ। प्रभु, मैं आपकी जगह आता हूँ और आप आराम करो। जब आपका सेवक यहाँ है तो आपको कष्ट लेने की क्या जरूरत? ठीक है, आ जाओ मेरी जगह पे, मैं आराम करता हूँ। लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें सिर्फ सुनना है और देखना है, और याद रखना कि कुछ बोलना नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो आपकी तरह एक ही मुद्रा में शांत खड़ा रहूंगा। तो चलो आ जाओ मेरी जगह। हे प्रभु, आज मैं पहली बार शिप पे जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना। इसी ने मेरा पर्स चुराया। पर्स? कौन सा पर्स? कैसा पर्स? मैंने कोई पर्स नहीं चुराया। मेरे जाने के बाद यही आया था, इसी ने मेरा पर्स चुराया। मैंने नहीं चुराया पर्स। चलो भाई साहब। मैंने नहीं चुराया पर्स। रुको, इसने पर्स नहीं चुराया। इससे पहले एक गरीब आया था, वो पर्स लेके गया है। थैंक यू कृष्णा। हाँ, आज तो मैंने अच्छा किया उसको बचा के, नहीं तो वो आज जेल में चला जाता। कैसा रहा तुम्हारा दिन? आज तो तुम भगवान बने थे ना? पूछो मत, पूरा दिन इतना ज्यादा मैं तो थक गया हूँ। थक गए? तुमको तो मैंने बोला था ना कि खड़े ही रहना है। ऐसा थोड़ी होता है खड़े रहने से, कितनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया? ओहो, क्यों किया तुमने ऐसे? मैंने तो तुम्हें बोला था ना कि सिर्फ सुनना और देखना, कुछ बोलना नहीं है। मैंने तो अच्छा ही किया ना प्रभु, क्या गलत किया मैंने? अरे नहीं नहीं, तुम्हें तो पता नहीं, ये सारा मेरा प्लानिंग था। प्लानिंग? कैसा प्लानिंग?
ये जो अमीर लड़की आई थी ना, जो पर्स भूल के गई, एक्चुअली वो 2-3 दिन में मरने वाली थी। मैं उसकी हेल्प करना चाहता था क्योंकि उसने कभी भी कुछ अच्छा काम किया ही नहीं। मैं चाहता था ये पर्स भूल जाए और गरीब ले ले, तो उससे कुछ पुण्य मिलेगा ना उसको, और यमदूत का थोड़ा सा दंड कम हो जाता। मैं उसकी हेल्प करना चाहता था ताकि नेक्स्ट लाइफ में वो मेरी भक्ति कर सके। गरीब को अगर पैसे ना मिलते तो वो मरने वाला था क्योंकि बहुत दिन से वो भूखा था। मैं इसकी भी हेल्प करना चाहता था और तुमने उस गरीब को जेल भिजवा दिया। लेकिन मैंने सेलर को तो बचाया था ना, अगर मैं उसे ना बचाता तो वो तो जेल चला जाता। आज रात को समुद्र में तूफान आने वाला है, वो डूबने वाला है, और मैं उसे बचाना चाह रहा था। ये सारा मेरा प्लानिंग था। अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप एक एक जीव के लिए इतनी सारी प्लानिंग करते हो। देखा फ्रेंड्स, भगवान जो भी करते हैं, किसी की भी लाइफ में वो कुछ भी करते हैं, तो वो उसके अच्छे के लिए करते हैं। तो हमें कभी भी भगवान को कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। भगवान, आपने मेरे साथ इतना गंदा किया, उसके साथ अच्छा किया, तो हमें कभी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। आओ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक